नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है, जो क्वेश्चन आता है सभी बच्चों का, वो एक ही आता है कि हम कौन सी बुक पढ़े, सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी बुक पढ़े। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे होते हैं वो बुक पढ़ लेते हैं जहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ कि यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बुक वो पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपका सिलेबस है वो लिख दिया है, आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बुक बताने वाला हूं कि महिला बाल अपराध के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और सामान्य विज्ञान के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, सामान्य ज्ञान के लिए क्या पढ़नी चाहिए, और करंट जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सभी बुकों का मैं आज दोस्तों यहां पर जिक्र करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना। जब तक आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चार पार्टों में आपका पेपर आता है। ए पार्ट में दोस्तों आपकी रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है। बी पार्ट में दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट जीके आता है। तीसरे दस बी सी पार्ट में जो आपका सी पार्ट होता है उसमें सिर्फ महिला एवं बाल अपराध के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है डी पार्ट जिसमें आपसे दोस्तों राजस्थान जीके यानी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सभी बुक दोस्तों मेरे पास उपलब्ध है, आपको मैं एक एक बुक बताने वाला हूं, ठीक है। कितने रुपए की आती है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, बुकों की क्वालिटी क्या है, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। सभी दोस्तों मेरे पास बुक अवेलेबल है तो आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ज्यादातर ये भी कमेंट करेंगे कि आपने वीडियो इसलिए बनाई है कि आप जो बुक है इनसे नफा कमाएंगे, आप मतलब कि पैसे कमाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं किसी का दोस्तों एड नहीं दे रहा। बहुत ये भी बोलेंगे कि आप एड मतलब कि ये बुक है ना इनका आप प्रमोशन कर रहे हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा दोस्तों। मैं आपको बताने वाला क्योंकि मैंने इन बुक वालों से एक भी पैसा नहीं लिया। बहुत कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि आपने कितने पैसे लिए इन बुक वालों से प्रमोशन के लिए, तो मैंने प्रमोशन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया दोस्तों। मैं ये जो भी बुक है मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कमेंट करते हो उनके हिसाब से। दोस्तों मैं प्रमोशन ही करूं ना तो मेरे पास बहुत सारे ऐड आते हैं, 30 सेकंड का 40 सेकंड का वीडियो बीच में ऐड दे दो, हम आपको 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे। लेकिन दोस्तों मैंने अभी तक मेरे चैनल पे किसी भी प्रकार का ऐड नहीं दिया और ना मैं कभी दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये कमेंट मत करना। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, पहले मैं आपको बताता हूं महिला एवं बाल अपराध के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो आपका सी पार्ट आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे महिला एवं बाल अपराध के, तो उसके लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो पुलिस की साइट के ऊपर गई बार जो दोस्तों 28 पेज डाले गए थे महिला एवं बाल अपराध के, पहले तो आपको वो 28 के 28 पेज पूरे याद होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है ना 10 में से दोस्तों 7 या 6 क्वेश्चन तो 10 पेज के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आपको पहले मैं आपको बता दूं महिला बाल अपराध के लिए आपको क्या पढ़ना है, जो पुलिस की साइट के ऊपर 28 पेज की दोस्तों जो बुक डाली गई थी, 28 पेज डाले गए थे, वो 28 का 28 पेज आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आपको मार्केट से एक बुक खरीदनी है। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फलानी बुक मेरे पास बुक उपलब्ध है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप चाहो ना वो बुक आप खरीद सकते हो। यदि आपको मैं बताना चाहूं तो ये बुक है दोस्तों, सिकवाल की बुक आती है, शानदार बुक है दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महिला और बाल अपराध के लिए शानदार बुक है, सिकवाल की बुक है, आप ये बुक भी खरीद सकते हो। अब दोस्तों मैं आपसे यही नहीं बोलूंगा कि यही बुक पढ़ो आप, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत बुक उपलब्ध है, आप वहां से लाके भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये सिर्फ दोस्तों 15-20 रुपए की मिलेगी मार्केट से, तो आप तो एक तो ये बुक पढ़ लेना, इसके अलावा 28 पेज की जो आपको दोस्तों साइट के ऊपर 28 पेज है ना वो पेज पढ़ लेना। इनमें दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन है यू के यू फंसने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो महिला एवं बाल अपराध का मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपको क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे डाउट आ रहा था, वो डाउट आ रहा था ये सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट जीके के लिए क्या पढ़े। तो करंट जीके के लिए दोस्तों बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो इनके लिए बता दोस्तों, इनके लिए लूसेंट की बुक आती है जो मेरे पास उपलब्ध है, यह है दोस्तों लूसेंट की बुक, सबसे शानदार बुक है बी पार्ट के लिए। यदि आप ये बुक पढ़ लेते हो ना तो आपके पास सिलेक्शन लेके जाओगे, बी पार्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान पूरा दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं वो टॉपिक इस बुक से पढ़ लेना है, और सामान्य विज्ञान
विज्ञान, इसके पीछे दोस्तों विज्ञान भी दे रखी है, आपकी जो साइंस है वो भी दे रखी है। तो यदि आप वो साइंस पढ़ लोगे ना, दो तीन क्वेश्चन आते हैं तो वो आपकी साइंस भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो बी पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी लूसेंट की बुक है, इससे इंपॉर्टेंट और कोई बुक नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हो और कोई पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे शानदार बुक है जो आपकी बी पार्ट के लिए, जो दोस्तों 2018-19 में वैकेंसी आई थी ना, सबसे ज्यादा बच्चे बी पार्ट में फेल हुए थे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, बी पार्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये लूसेंट की बुक पढ़ लेना, बहुत शानदार बुक है। करंट जी के दोस्तों अभी आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट दोस्तों 6 से 7 महीने पीछे का करंट पढ़ना है, वो आपकी जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना तब आपको पढ़ना है। तो मूमल की सबसे शानदार बुक है, ठीक है, बहुत आपको क्रोनोलॉजी बताता है, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ वो देता हूँ, करंट जीके के लिए आपको मूमल पढ़नी है, सबसे शानदार बुक है दोस्तों मूमल, तो आपको करंट के लिए मूमल पढ़ लेनी है। तो मैंने आपके दो टॉपिक क्लियर कर दिए, एक तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट जीके में क्या पढ़ना है, और तीसरा है दोस्तों महिला बाल अपराध में आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अब दोस्तों अगली बुक आती है, वो आती है रीजनिंग की और कंप्यूटर की। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर की बुक बताता हूं कि कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए अब तक की सबसे शानदार बुक आई है वो है दोस्तों ये दक्ष, सबसे शानदार बुक है दक्ष, ज्यादा पैसे की नहीं है, 100 या 110 रुपए की मिलेगी दोस्तों, ये 100 रुपए की बुक मिलेगी, मार्केट से खरीद लेना, सबसे शानदार बुक है कंप्यूटर की, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। तो मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया, कंप्यूटर में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़ लेनी है। इसके अलावा दोस्तों लूसेंट की बुक भी आती है, कंप्यूटर की एक दोस्तों लूसेंट की बुक आती है, इसके अलावा जागरूकता के नाम से भी आती है, तो आप चाहो ना तो वो बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना जरूर कह दूंगा कि कंप्यूटर के लिए आपको अलग से बुक खरीदनी है, ऐसे मत करना कि एक ही बुक है उसमें से हम पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर के लिए अलग से आपको बुक खरीदनी है। अब मैंने आपको बता दी, चाहो तो आप ये वाली बुक खरीद लेना कंप्यूटर के लिए, बहुत शानदार बुक है, या फिर दोस्तों मार्केट में एक लूसेंट कंप्यूटर की बुक भी आती है, एक जागरूकता नाम से भी बुक आती है, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हो। तो कंप्यूटर का मैंने डाउट क्लियर कर दिया, आगे बता दोस्तों राजस्थान जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ाऊंगा रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको क्या पढ़नी है। तो पहले आपको बता देता हूं राजस्थान जीके में दोस्तों सबसे शानदार बुक है अब तक की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो सबसे शानदार बुक आ रही है मार्केट में, वो दोस्तों एक ही जो आपको यहाँ पर सामने दिख रही होगी, लक्ष्य। लक्ष्य से बढ़िया कोई बुक नहीं है दोस्तों, मैंने भी बहुत बुक पढ़ी है, लेकिन मुझे सबसे शानदार बुक लगी वो सबसे शानदार बुक लगी है लक्ष्य। यदि आप लक्ष्य पढ़ते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो सिलेक्शन ले जाओगे, और बुक खरीदोगे तो उनमें बहुत ज्यादा मैटर होता है दोस्तों, डीपली पढ़ना है तो आपको और बुक खरीद लेनी है। और यदि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में वर्दी लेना चाहते हो तो सबसे शानदार बुक है लक्ष्य, आप लक्ष्य खरीद सकते हो, यहां से आपकी राजस्थान जीके बिल्कुल दोस्तों तैयार हो जाएगी। तो मैंने आपको राजस्थान जीके के लिए भी बता दिया सबसे शानदार बुक है लक्ष्य, उसको आप पढ़ सकते हो। अगला डाउट आता है रीजनिंग के लिए, दोस्तों रीजनिंग के बहुत सरल प्रश्न आते हैं, यदि आपके पास रीजनिंग की पहले कोई बुक है ना तो उसी बुक को पढ़ो, उसी में से दोस्तों आप सवाल निकालो, रीजनिंग के बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन में से आप 28-29 क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है, 28-29 क्वेश्चन तो आप सही करोगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग में ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं रीजनिंग में आप दोस्तों रामनिवास माथुरिया की किताब पढ़ सकते हो, इसके अलावा आपके पास और कोई बुक है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको बुक दिख रही होगी, ये बुक भी आप मार्केट से खरीद सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग की आपके पास यदि और कोई बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने दोस्तों लगभग आपकी सभी बता दी कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है, आपको मैंने बता दी रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान इसके लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, करंट जीके के लिए आपको मूमल पढ़नी है, महिला बाल अपराध के लिए मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके के लिए आपको लक्ष्य पढ़नी है। तो मैंने राजस्थान जीके जो भी दोस्तों सिलेबस है पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब बहुत ये भी कमेंट करेंगे कि बी पार्ट में संविधान के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप दोस्तों ये लूसेंट पढ़ोगे ना, ये लूसेंट पढ़ोगे, इसके अंदर ही संविधान है, आपकी पॉलिटी भी इसके अंदर से तैयार हो जाएगी, तो ये बुक आपकी बहुत शानदार है। तो मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिया आपको कौन सी बुक पढ़नी है, लेकिन दोस्तों इतना कह देता हूं बुक खरीदने से कोई मतलब नहीं है, बुकों को आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है बुक खरीद ली और रख दी, बुकों को पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन तभी होगा जब आप बुक पढ़ोगे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा जितना हो सके जितना बुकों से प्यार करो, सिलेक्शन सिर्फ बुक ही दिला सकती है, मोबाइल पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो, जितना हो सके जितना बुकों से प्यार करो। तो आपका जो टॉपिक आता है दोस्तों, जो आपके डाउट आते हैं कौन कौन सी बुक पढ़े, तो मैंने आपका वो डाउट क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले सिंह को आप जरूर दबा लेना, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।